क्या आपको पता है भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन तो लिख दिया था, लेकिन यह 1950 में हमारा राष्ट्रगान बन पाया। भारत के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखा था। उस समय बंगाल के बाहर के लोग इस गीत को नहीं जानते थे। राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान में 5 पद हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को न केवल लिखा बल्कि उन्होंने इसे गाया भी। 1917 में टैगोर ने इसे धुन में बांधा। धुन इतनी प्यारी और आसान थी कि जल्दी ही लोगों के मानस पर छा गई। यही वो गाना था जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लड़ाकों ने राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। आजादी से पहले 1937 में प्रांतों में पहली चुनी सरकारों ने भी इसे अपनाया। संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आने वाले सालों में जन गण मन अधिनायक जय हे ने एक भजन का रूप ले लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत इसी गाने से की जाने लगी।